Dear students, today we will discuss the next topic in epidemiology. The next topic we discuss in this lecture, that is disease transmission. Disease transmission का meaning आप लोगों को पता चल गया होगा कि disease कैसे transmit होती है, इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे. जो old communicable diseases हैं are transferred from one person to the another person. वो कैसे वन पर्सन से अनदर जो पर्सन है उन तक जो ट्रांसमिट होती है डिजीज थ्रू द ट्रांसमिशन मेथड. ट्रांसमिशन मेथड से वो स्प्रेड होंगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वो डिजीज जो है. एंड दे स्प्रेड फ्रॉम द सोर्स और रिजर्वियर्स ऑफ इन्फेक्शन टू द ससेप्टिबल होस्ट. जो हमारा सोर्स है उसके थ्रू या रिजर्वियर है कोई उसके थ्रू जो इन्फेक्टेड हमारे पास सोर्स है उसके थ्रू वो जो होस्ट है उस तक वो डिजीज स्प्रेड होती है. अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है हमारे पास सोर्स कौन कौन से हैं इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में भी पर्सन एनिमल सोर्स हो सकता है पर्सन हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट है या फिर फूड वाटर कोई भी ऐसे आर्टिकल्स जिनको हम लोग यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो एक सोर्स हो सकता है किसी भी डिजीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए. अब हमारे पास है इसमें ए रिजर्वियर. रिजर्वियर क्या है? ए रिजर्वियर में भी एनी पर्सन एनी एनिमल सोर्स दैट एनी सोर्स प्लांट इन विच दे आर इन्फेक्टेड फ्रॉम द एजेंट इन्फेक्टियस एजेंट्स. ऐसा कोई भी हमारा जो एनिमल प्लांट पर्सन जिसके अंदर जो इन्फेक्टियस एजेंट है वो लाइव कर रहा है ग्रो कर रहा है वो हमारा क्या रिजर्वियर इन्फेक्टियस रिजर्वियर एजेंट है सोर्स है हमारा. क्योंकि अगर जैसे एग्जांपल है कोरोना वायरस है अगर किसी पर्सन को कोरोना है उसके अंदर वो अभी तक उसका जो टेस्ट है 14 डेज के बाद नेगेटिव नहीं आता तो मीन्स उसका क्या अभी तक उसके जो बॉडी में जो कोरोना के वायरसेस हैं वो लाइव है वो उसमें उनकी जो है वो किल नहीं हुई लाइव पोजीशन में है जिसके कारण जो वो डिजीज दूसरे पर्सन को भी होने के चांसेस हो सकते हैं. वो हमारा हो गया रिजर्वियर सोर्स. अब हमारे पास है जो हमारी डिजीज है वो ट्रांसमिट होती है जो एजेंट्स हैं लाइव में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी पर्सन में वो ट्रांसमिट हो सकती है होस्ट में मींस अदर पर्सन में वो ट्रांसमिट हो सकती है. एग्जांपल है जैसे हमारे पास रिजर्वियर का टेटनस बेसिलाई टेटनस बेसिलाई क्या सोइल है जो सोइल में मिट्टी उसमें टेटनस हो सकता है उसके बेसिलाई. एंड बट होस्ट इज मैन. जो वो टेटनस या पेशेंट है कोई पर्सन है उस सोइल को यूज करेगा या उस सोइल का एक्सटेंड हो जाएगा या वो जो सोइल है उसकी बॉडी में चली जाएगी किसी भी तरह अगर वो सॉइल उसकी बॉडी में या अंदर एंटर कर जाती है तो वो टेटनस बेसिलाई के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें क्या ग्रो करने लग जाएंगे उस पर्सन को टेटनस हो जाती है. आपने कब देखा होगा कि अगर रोड पर किसी भी पर्सन का थोड़ी सी भी चोट लग जाती है रोड के ऊपर गिर जाता है चोट लग जाती है तो उसको क्या टेटनस के इंजेक्शन लगवाते. वो टेटनस के इंजेक्शन क्यों लगवाते? क्योंकि जो मिट्टी है हमारी सॉइल है जो रोड पे है या कहीं पर भी है उसमें जो टेटनस की बैसिलाई होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. अगर हम लोग उसको इंजेक्शंस नहीं लगवाएंगे तो हमारे जो है जो पर्सन है उसको टेटनस होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं. ये था हमारा डिजीज ट्रांसमिशन. अब इसमें है रूट और चैनल्स ऑफ इन्फेक्शन.
रूट्स और चैनल्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक, कौन कौन से रूट हैं, चैनल्स हैं जिनके थ्रू जो इन्फेक्शन है वो हो सकती है पर्सन्स को। इसके में है हमारे पास जो फॉलिंग, हम लोग जो रूट्स हैं जो वो जो फॉलिंग ज़्यादा रूट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि किन किन रूट्स के कारण हमारे जो है इन्फेक्शन है वो बॉडी के अंदर एंटर हो सकती है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो सकती है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। जैसे फर्स्ट वन है, अगर हम लोग यूज़ करते हैं थ्रू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी जो इन्फेक्शन है वो हो सकती है, वो कैसे होगी, एग्जाम्पल है हमारे पास एड्स, गोनोरिया के पेशेंट्स, जो एड्स के पेशेंट है, एड्स कैसे हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होती है, थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम लोग किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हैंडशेक कर लेते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, किसिंग जो है इन्फेक्टेड पर्सन को करेंगे, तो उससे क्या होगा कि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी में भी एंटर हो जाते हैं थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसके कारण वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में भी एंटर होंगे, उसके कारण हमारे जो बॉडी में वो अबनॉर्मेलिटीज शो होंगी और हमें भी वो डिजीज होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास है एड्स, अगर हम लोग किसी जो इस पर्सन को मैन या वुमेन है जो जिनको एड्स की प्रॉब्लम है उससे हम लोग जो है इंटरकोर्स करेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो एड्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन वो हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी एंटर कर जाएंगे। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रॉपरली जो है प्रिकॉशन से यूज़ करने का चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने चाहिए। सेकेंड है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे पास जैसे एग्जांपल है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारी डिसीज होती है वो है जैसे डिप्थीरिया, टीबी, ये हमारी क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो डिजीज है वो, जो डिप्थीरिया है, टीबी है, अगर हम लोग किसी भी जिस पर्सन को टीबी है या डिप्थीरिया है, इन्फ्लुएंजा है, अगर हम लोग उनकी जो कंटेमिनेटेड कोई भी हम लोग चीज़ यूज़ कर लेते हैं, कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स हैं या उसके जो इन्फेक्टियस नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं या डिस्चार्जेस हैं उसको ऐसे ही हम लोग ओपनली छोड़ देते हैं डिस्चार्जेस को, उससे भी जो है इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जैसे हमारे पास जो कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स को हम लोग अगर उसके इंटीमेट आर्टिकल्स को यूज़ करेंगे तो उससे भी हमारे जो है बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चांसेस हो जाते हैं। जो हमने पहले जैसे डिस्कस किया था कि एड्स जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं और स्किन के थ्रू जो डिजीज होती है हमारे स्किन के थ्रू कैसे होगी कि जो हमारे पास जैसे फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज हैं, ये क्या करते हैं वन पर्सन की जैसे बॉडी पर बैठ के उसको बाइट करते हैं तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मॉस्किटो की जो बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं उसकी लेग्स और विंग्स के साथ, तो वही वो दूसरे हेल्दी पर्सन को जाकर अगर वही मॉस्किटो बाइट करेगा फीमेल मॉस्किटो तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे जिससे जो हमारे जो कंटेमिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के। ये तो हमारा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की एग्जाम्पल थी एड्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू हमारे पास जैसे डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो इन्फेक्शन होती हैं वो हैं। नेक्स्ट है थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल,
एग्जांपल है डायरिया, डाइसेंट्री जो प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे किसके थ्रू होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के थ्रू डिजीज होंगी। अगर किसी पर्सन को डायरिया है या डाइसेंट्री प्रॉब्लम्स है तो उसको जब वो प्रॉपरली जो वॉशरूम फ्लैश यूज़ करता है तो उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। अगर हेल्दी पर्सन भी उसी टाइम यूज़ करेगा तो उससे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर सकते हैं। ये तो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के थ्रू और रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू जो इन्फेक्शन हो सकता है। जो हमारे पास मेनली टाइफाइड है, ये भी क्या होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हमारे से रिलेटेड ही हमारी डिजीज़ है, ये भी हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के थ्रू ही डिजीज होती है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, कि जो हमारे मोड है इन्फेक्शन के, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से, किस किस रूट से जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है पर्सन में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। कि इन्फेक्शन है वो हमारे पास ट्रांसमिट होता है, हमारे तीन मोड है उसके लिए, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ये तीनों ही जो मोड है ये नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है किसी भी पर्सन को डिजीज अकर होने के लिए। अगर इनमें से कोई एक भी जो है हमारे पास फैक्टर मिसिंग होगा तो जो पर्सन है उसमें जो डिजीज है वो डिवेल्प नहीं होगी। डिजीज होने के लिए पर्सन में ये तीनों जो मोड है वो एक्टिव होने चाहिए, तीनों मोड अवेलेबल होने चाहिए, तभी जाकर जो किसी पर्सन में डिजीज होती है। इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग जो फॉलोइंग मोड्स हैं वो डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मोड्स हैं जो हमारे डिजीज होने में, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन में नेसेसरी है। फर्स्ट वन है हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन, एंड सेकंड है हमारे पास इसमें है जो डायरेक्ट के बाद हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। सेकेंड है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले कि डायरेक्ट जो ट्रांसमिशन है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। इसमें हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आ जाते हैं जैसे कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फर्स्ट है कॉन्टैक्ट, सेकेंड है हमारे पास ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, थर्ड वन है हमारे पास ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन,
इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट वन है फोमाइट वेक्टर बोर्न एंड व्हीकल बोर्न डिजीज। ये हमारे पास है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन। दो टाइप के हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारे पास फोर टाइप्स हैं आगे। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन एंड एनिमल बाइट। इनडायरेक्ट में हमारे पास थ्री टाइप के हैं। फर्स्ट है वो माइट वेक्टर बोर्न एंड व्हीकल बोर्न। अब हमारे पास फर्स्ट आ जाता है इसमें कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में अगर हम लोग किसी भी अनहेल्दी पर्सन से जिसको कोई कम्युनिकेबल डिजीज है उसके साथ हैंडशेक करते हैं उसके साथ या फिर हम लोग जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो उससे वो डिजीज़ है जो वो हमारी ट्रांसमिट हो जाती है अदर हेल्दी पर्सन में जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। जो कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट में हमारे पास है जैसे जो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं वो है एड्स टाइफाइड की। वो है हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कि हम लोग अगर एड्स का पेशेंट है कोई जैसे हमने म्यूकस मेम्ब्रेन में भी डिस्कस की थी एड्स की एग्जांपल कि जो एड्स के पेशेंट है उसके साथ अगर हम लोग इंटरकोर्स सेक्सुअली कॉन्टैक्ट बनाएंगे तो वो थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे जो हेल्थी पर्सन है उसमें भी ट्रांसमिट हो जाते हैं। वो है हमारा कॉन्टैक्ट या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में हमारे पास आ जाता है कि अगर जैसे एग्जांपल है टीबी हूपिंग कफ कि जो पर्सन है जिसको डिजीज है अगर वो स्नीजिंग करता है या फिर लाउडली टॉक करता है किसी के साथ तो उसके जो माउथ में से जो फाइन पार्टिकल्स हैं फाइन जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं वो आते हैं निकलते हैं और वो दूसरे पर्सन की जो है फेस पे या बॉडी पे या दूसरे पर्सन के साथ जब हम लोग बात करते हैं उसके अंदर एंटर कर जाते हैं थ्रू एयर्स के जिसके कारण जो हेल्दी पर्सन है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है उसकी डिजीज से। इसलिए जो कोरोना की जैसे एग्जांपल है कोरोना में हमने क्या है कि फेस पे मास्क लगा के रखते हैं क्यों क्योंकि हमारे पास अगर हम लोग किसी पेशेंट को कोरोना है वो स्नीजनिंग करेगा कफिंग करेगा या फिर टॉक लाउडली टॉक करेगा तो उससे क्या होगा कि उसके माउथ में से जो फाइन ड्रॉपलेट्स हैं वो जो सामने वाले जो पर्सन है उसके अंदर बॉडी में एंटर करे जाएंगे और जिसके थ्रू वो पर्सन भी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। ये था हमारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। मीन्स ट्रांसप्लेसेंटल मीन्स जो है प्रेगनेंसी के टाइम मदर से जो बेबी को जो फीटस में ही जो डिजीज हो जाती है वो है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। इसमें एग्जांपल है जैसे कि हमारे पास हेपेटाइटिस बी और एड्स। जो एड्स के पेशेंट हैं जो हेपेटाइटिस बी की जिनको जो पेशेंट्स हैं उनमें जो मदर से ही जो बच्चे हैं बेबी है उसको डिजीज हो जाती है इन फीटस उसको प्रेगनेंसी में वो ट्री डिजीज थ्रू प्लेसेंटा ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट है एनिमल बाइट। अब एनिमल बाइट में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि जैसे जो डॉग है स्नेक बाइट कर जाते हैं तो अगर वो बाइट करेंगे डॉग बाइट कर जाता है मीन्स डॉग को रैबिस है तो अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को हेल्दी एनिमल को बाइट करेगा तो वो वायरस भी उसमें चले जाते हैं हेल्दी एनिमल या फिर मैन में जो ह्यूमन बींग है उसमें वो ट्रांसमिट हो जाएंगे रैबिस जिसके कारण जो हमारे पास जो हेल्दी पर्सन है वो भी उस डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसमें एक हमारा रह गया पॉइंट इन्फेक्टेड डस्ट। एग्जाम्पल आ जाती है टीबी न्यूमोनिया।
कि जो हमारी डस्ट है उसमें बहुत से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम लोग की जो हमारा जो एरिया वो डस्टी है उसमें हम लोग क्या है लाउडली लाफिंग करते हैं, लाउडली बोलते हैं, ज़्यादा हम लोग स्नीजिंग करते हैं, तो उससे क्या है कि जो एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर हमारे जो घर में है जो ज़्यादा डस्ट हो रही है तो उसमें अगर हम लोग ब्रीथिंग करेंगे या ज़्यादा लाउडली बोलेंगे हमारे रूम में क्लोथ्स पे, बेडशीट पे, मैट्स पे जब डस्ट होती है वो डस्ट में क्या पार्टिकल्स करते हैं एयर में फ्लो करने लग जाते हैं। जब एयर में फ्लो करते जो पर्सन उस एरिया में रहते हैं वो जब बोलते हैं या फिर स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, लाफिंग करेंगे तो वो पार्टिकल्स उसमें उनके माउथ में एंटर कर जाते हैं बॉडी में, जिससे उनको डिजीज़ हो सकती है इन्फेक्शन की, उनको टीबी और निमोनिया की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे सेकंड था इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में फर्स्ट है फोमाइट। फोमाइट में वो पहले हमने डिस्कस किए डायरेक्ट, जब हम लोग इनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं डिजीज के। अब इनडायरेक्ट हम लोग पहले फोमाइट है कि हमारा जो पर्सन है उसको हम लोग अगर उसके आर्टिकल्स को टच करेंगे, उसके आर्टिकल्स यूज करेंगे, उसके टॉवल, क्लोथ्स, बेडशीट्स को हम लोग यूज करेंगे तो वो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन आर्टिकल्स के थ्रू हमारे बॉडी में चले जाएंगे। पहले जो हमारा जो पेशेंट है वो उस आर्टिकल्स को यूज करता है तो वो आर्टिकल को यूज करने के कारण वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उस जो सब्सटेंस के ऊपर सरफेस पे लग जाते हैं। जब कोई अनहेल्दी पर्सन उसको यूज करेगा तो वो अनहेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाएंगे, जिससे जो डिजीज है वो इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। सेकंड है हमारे पास वेक्टर बॉर्न। जो वेक्टर बॉर्न है हमारे पास इसमें क्या है कि जो वेक्टर बॉर्न है मे बी डिफाइंड एज अ, इसमें कि जो हमारे पास एरिथ्रोपोड्स हैं या लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन्फेक्टेड जो हमारे पास मटेरियल है। जैसे एग्जांपल है एरिथ्रोपोड में हमने डिस्कस किया था मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज, माइट्स, ये हमारे क्या डिजीज ट्रांसफर करने वाले वैक्टर्स हैं। जैसे मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो मलेरिया प्रोड्यूस करता है, जो हाउस फ्लाइज है वो क्या कंटाइम ईजिली जो है डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये डिजीज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जैसे किसी जो जो पेशेंट्स है उसको टाइफाइड है वो उसके डिस्चार्ज पे बैठ जाते हैं, जब वो वहाँ से फ्लाई करते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे जो फ्लाई हाउस फ्लाई उसके बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं, मीन्स उसकी लेग्स और विंग्स के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर वो हाउस फ्लाई क्या है हमारे फूड के ऊपर, हमारे जो फ्रूट्स के ऊपर, वाटर के ऊपर वो आकर जो है अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहीं पर छोड़ देते हैं, जो हमारे हम लोग अगर वॉश नहीं करेंगे तो वो हमारे क्या सीधा डायरेक्टली बॉडी में चले जाते हैं, जिससे हमारे जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हीकल बॉर्न। व्हीकल बॉर्न में जैसे कंटेमिनेटेड वाटर का यूज़ करना, कंटेमिनेटेड फूड का यूज़ करना, मिल्क का यूज़ करना या ब्लड, कंटेमिनेटेड ब्लड का यूज़ करना, अगर एड्स के पर्सन को, किसी भी एड्स वाले पर्सन का हम लोग हेल्दी पर्सन को ब्लड डोनेट कर देंगे तो वो डिजीज उस पर्सन को भी हो सकती है। अगर किसी ने उनके समटाइम ये होता है कि एमरजेंसी होती है, कोई चेक नहीं करवाते कि फैमिली में भी, उससे क्या होता है हम लोग वो क्या पर्सन को के टेस्ट नहीं प्रॉपरली कर पाते कि उसको कौन सी डिजीज है, इसलिए अगर वो एड्स का पर्सन होगा तो वो डिजीज दूसरे पर्सन में भी चली जाएगी जिसको हम लोग उसका ब्लड दे रहे हैं। या फिर उसमें हमारे पास अगर जो कंटेमिनेटेड मिल्क हम लोग यूज करेंगे, जो मिल्क है उसमें बहुत ज़्यादा ईजिली जो माइक्रोब्स है वो ग्रो कर जाते हैं, अगर हम लोग कंटेमिनेटेड मिल्क भी यूज करते हैं किसी पर्सन के लिए तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी में ग्रो कर जाएंगे। ये था हमारा व्हीकल्स बॉर्न। नेक्स्ट हमारे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक यहीं पर हमारा जो है फिनिश हो जाता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर से रिलेटेड है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।